Patients are suspended by wires through long bones. Dr. Bellows. You don't got to talk so loud. Food. Mars, it's all happening. It's really happening. तो अपनी जिंदगी को हम जिसके हवाले करते हैं, जब वही पैसों के लिए हमारी जिंदगी के साथ में खेलने लगे तब क्या होगा? भगवान की जगह रखने वाले डॉक्टर्स जब शैतान बन जाए तो लोग क्या करेंगे? तो यही हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस मूवी की कहानी शुरू होती है सुजैन से, जो कि बोस्टन के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। सुजैन का बॉयफ्रेंड मार्क भी उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था। वो दोनों एक साथ एक ही अपार्टमेंट में रहा करते थे। दिन भर के काम के बाद में सुजैन एक डांस क्लास में जाया करती थी। वो डांस क्लास से ही सुजैन अपना मन हल्का करती थी। डांस क्लास में सुजैन की एक दोस्त थी जिसका नाम नैन्सी था, जो कि प्रेग्नेंट थी और अपने हस्बैंड को बिना बताए अबॉर्शन करवाने वाली थी। लेकिन नैन्सी ऑपरेशन को लेकर थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन सुजैन उसे यकीन दिलाती है कि अबॉर्शन एक माइनर ऑपरेशन है, तो नैन्सी को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर अगले दिन नैन्सी को ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स नैन्सी को एनेस्थेसिया देकर बेहोश करते हैं और उसका अबॉर्शन करने लगते हैं। वो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कुछ ही दिन में ऑपरेशन के बीच में ही नैन्सी का ब्लड प्रेशर लो होने लगता है। पर नैन्सी ऑपरेशन के बाद में होश में नहीं आती है और कोमा में चली जाती है। नैन्सी को इस हालत में देखकर सुजैन बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और सुजैन नैन्सी के मेडिकल रिपोर्ट देखने लगती है। मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से नैन्सी को कोई भी बीमारी नहीं थी और ऑपरेशन भी माइनर सा था, तो फिर नैन्सी क्यों कोमा में चली गई ये सुजैन को समझ नहीं आ रहा था। अब अगले दिन सुजैन हॉस्पिटल के लेबोरेटरी में जाती है, जहाँ पर नैन्सी का टेस्ट किसने किया था ये सुजैन जानना चाहती थी। लेकिन लेबोरेटरी में नैन्सी की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। नैन्सी के ऑपरेशन के टाइम पर कौन कौन था सुजैन इसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जाती है, लेकिन वो एम्प्लॉय ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते थे। और तब सुजैन पिछले 10 साल में कौन कौन पेशेंट माइनर ऑपरेशन में कोमा में गए इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। सुजैन को ऐसे 10 पेशेंट के बारे में पता चलता है जो कि बिल्कुल हेल्थी थे और वे माइनर ऑपरेशन के बाद वे लोग कोमा में चले गए थे। सुजैन की इन्वेस्टिगेशन की वजह से वो मुसीबत में पड़ जाती है और उसको हेड ऑफिस में बुला जाता है, जहाँ पर डॉक्टर हैरिस यहाँ पर ये सभी इन्वेस्टिगेशन करने को रोकने को कहते हैं और उसको अपना दिमाग शांत करने के लिए मेंटल थेरेपी लेने को कहते हैं। अपनी जॉब बचाने के लिए सुजैन को डॉक्टर हैरिस की बात माननी पड़ती है और फिर अगले दिन सुजैन थेरेपी के लिए डॉक्टर मोरेलाइट के पास जाती है और डॉक्टर मोरेलाइट सुजैन को इन सब बातों में ध्यान देने को मना करते हैं, क्योंकि एक साल के अंदर हॉस्पिटल में डॉक्टर 30,000 से ज़्यादा सर्जरी करते हैं और कभी कभी ये सब गलती हो ही जाती है। और सुजैन ने ये इन्फॉर्मेशन डॉक्टर से निकाल कर हॉस्पिटल का रूल तोड़ा है। डॉक्टर मोरेलाइट की बात सुनकर भी सुजैन अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखने को सोचती है। अब होता यह है कि एक दिन एक माइनर ऑपरेशन का एक हेल्थी पेशेंट कोमा में चला जाता है और इस वजह से सुजैन को और भी ज़्यादा शक होने लगता है। सुजैन इस बारे में मार्को को भी बताती है, लेकिन मार्को के लिए यह सब बस एक कोइंसिडेंस था। सभी ऑपरेशन में ऐसा रिस्क होता है, वो सुजैन को इन सब बारे में सोचने से मना करती है। सुजैन फिर भी एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर जॉर्ज से मिलने जाती है और उनको उन 10 पेशेंट के बारे में बताती है जो कि माइनर ऑपरेशन के बाद भी कोमा में चले गए थे। डॉक्टर जॉर्ज सुजैन को कहते हैं कि वे लोग उन पेशेंट के बारे में कुछ नहीं छुपा रहे हैं। सभी पेशेंट का ऑपरेशन अलग अलग डॉक्टर ने किया है और सभी को अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए वे सभी कोमा में गए थे। सुजैन डॉक्टर जॉर्ज से उन पेशेंट के मेडिकल फाइल मांगती है, लेकिन डॉक्टर जॉर्ज सुजैन को वो फाइल नहीं देते हैं। मार्क सुजैन को डॉक्टर जॉर्ज से दुश्मनी करने को मना करता है और इससे सुजैन के करियर पर असर पड़ सकता था। डॉक्टर जॉर्ज बहुत ही फेमस डॉक्टर थे और कुछ देर के बाद में सुजैन को खबर मिलती है कि नैन्सी की मौत हो चुकी है और उसका पोस्टमार्टम किया जाने वाला है। सुजैन फिर पोस्टमार्टम रूम में जाती है, जहाँ पर वो एक डॉक्टर से पूछती है कि क्या किसी को जानबूझकर कोमा भेजा जा सकता है जिसका किसी को भी पता न चले। तब एक डॉक्टर सुजैन को बताता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी को भी कोमा में भेजा जा सकता है और इसका किसी को भी पता नहीं चलता है। फिर इस तरफ मार्क का एक सीनियर डॉक्टर मार्क से सुजैन को इन्वेस्टिगेशन से दूर रखने को कहता है और अगर मार्क ऐसा कर पाया तो हॉस्पिटल के बाकी सीनियर डॉक्टर मार्क से खुश होकर
उसको अगले साल हॉस्पिटल का हेड डॉक्टर बना देंगे। मार्क भी इस बात को मान जाता है। फिर दूसरी तरफ सुजैन के टेंशन को देखकर डॉक्टर हैरिस भी सुजैन को एक वीक की छुट्टी दे देते हैं। फिर रात को मार्क सुजैन एक वीक के लिए एक ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं और एक वीक तक वो दोनों एक साथ एंजॉय करते हैं। अब घर वापस आते टाइम जेफरसन इंस्टीट्यूट का बोर्ड देखकर सुजैन मार्क से वापस जाने की जिद करती है और मार्क सुजैन को वहां पर ले जाता है। जेफरसन इंस्टीट्यूट बहुत ही सुनसान जगह पर था और मार्क बाहरी कार पर रुकता है और सुजैन अकेले ही अंदर चली जाती है। सुजैन वहां के हेड डॉक्टर से मिलना चाहती थी लेकिन एक नर्स उसे कहती है कि डॉक्टर बहुत ही बिजी है और सुजैन बहुत दूर से आई थी, लेकिन फिर भी सुजैन को डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जाता है। अब अगले दिन हॉस्पिटल में सुजैन को एक मेंटेनेंस वर्कर केली से पता लगता है कि सुजैन का शक सही है। केली सुजैन को उसे रात को मेंटेनेंस रूम में मिलने को कहती है, लेकिन रात को एक किलर केली को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार डालता है। फिर कुछ देर के बाद सुजैन मेंटेनेंस रूम में जाकर ये देखती है कि वहाँ का एक पाइप ऑपरेशन रूम नंबर 8 तक गया है और सुजैन डॉक्टर जॉर्ज के रूम में उन पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट देखने लगती है कि तभी वही किलर सुजैन पर अटैक कर देता है और किसी तरह सुजैन वहां से भागकर मार्क के पास आती है। सुजैन मार्क को मेंटेनेंस रूम की सारी बातें बताती है और मार्क सुजैन को शांत करके उसको बेड पर सुला देता है और वो चाय बनाने के लिए किचन में जाता है। मार्क के इस बिहेवियर की वजह से सुजैन मार्क पर विश्वास नहीं कर रही थी और वो घर से चुपचाप चली जाती है। अब फिर सुजैन एक होटल में रुकती है जहाँ पर जेफरसन इंस्टीट्यूट से उसको एक हॉस्पिटल टूर के लिए कॉल आता है। सुजैन फिर जेफरसन इंस्टीट्यूट जाकर ये देखती है कि वहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से कोमा पेशेंट को रखा गया है और जेफरसन इंस्टीट्यूट की छानबीन करने के लिए सुजैन छुपकर हॉस्पिटल में घूमने लगती है और गार्ड की नज़र में भी वो नहीं आती है। फिर उसी टाइम सुजैन को पता लगता है कि जेफरसन इंस्टीट्यूट ब्लैक मार्केट में ह्यूमन ऑर्गन का बिजनेस करती है और वे लोग कोमा पेशेंट के ऑर्गन को रिमूव करके ब्लैक मार्केट में बेच देती है। फिर वहीं पर सुजैन डॉक्टर जॉर्ज का नाम बार बार सुन रही थी और तभी सुजैन गार्ड की नज़र में आ जाती है। सभी गार्ड्स सुजैन को पकड़ने में लग जाते हैं और किसी तरह सुजैन उसी एम्बुलेंस में छुपकर वहां से निकल जाती है जिस एम्बुलेंस में ह्यूमन ऑर्गन को भेजा जा रहा था। सुजैन अब सभी बातों को जान गई थी कि जेफरसन इंस्टीट्यूट के साथ बोस्टन हॉस्पिटल मिली हुई है और वे लोग कोमा पेशेंट को जेफरसन इंस्टीट्यूट भेज देते हैं और वहां पर उनका ऑर्गन निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है। सुजैन डॉक्टर हैरिस के पास जाकर ये सारी बातें बता देती है और डॉक्टर हैरिस सुजैन को पीने के लिए एक ड्रिंक देते हैं। तभी सुजैन डॉक्टर हैरिस के सर्टिफिकेट पर नोटिस करती है कि डॉक्टर हैरिस का पूरा नाम डॉक्टर जॉर्ज ए हैरिस था, मतलब कि इन सब कामों के पीछे डॉक्टर जॉर्ज हैरिस ही है। लेकिन तब बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है। ड्रिंक की वजह से सुजैन के पेट में बहुत दर्द होता है और वो नशे में आ जाती है और जॉर्ज मेडिकल स्टाफ को इन्फॉर्म करके सुजैन को ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। सुजैन मार्क को बता रही थी कि उसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मार्क उसे कंफर्ट करने की कोशिश करके ये कहता है कि ये बस एक माइनर ऑपरेशन है और इसके बाद वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। सुजैन को ऑपरेशन यहाँ पर डॉक्टर जॉर्ज ही करने वाला था और सुजैन को पता था कि ऑपरेशन के बाद में वो जिंदा बचने वाली नहीं है। एक स्टाफ मेंबर डॉक्टर जॉर्ज को 7 नंबर का ऑपरेशन रूम रेडी होने के बारे में बताती है, लेकिन डॉक्टर जॉर्ज उसे 8 नंबर ऑपरेशन रूम रेडी करने को कहते हैं और डॉक्टर जॉर्ज की इस बात पर मार्क को भी शक होता है। अब एक तरफ सुजैन को 8 नंबर ऑपरेटिंग रूम में ले जाया जाता है, दूसरी तरफ मार्क मेंटेनेंस रूम में जाता है और वहां पर उसको ऑपरेशन रूम से कनेक्टेड होने वाली ऑक्सीजन गैस पाइप दिख जाती है। वहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड का भी गैस पाइप था जो कि रूम नंबर 8 के ऑक्सीजन गैस पाइप से कनेक्टेड था। फिर किसी तरह मार्क कार्बन मोनोऑक्साइड के गैस पाइप को तोड़ देता है और इस तरह सुजैन की जान बच जाती है और ऑपरेशन खत्म होने के बाद में सुजैन कोमा में नहीं जाती है और वो बेहोशी में आ जाती है। सुजैन को होश में आता देखकर डॉक्टर जॉर्ज बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उनको पता था कि उनका खेल अब खत्म हो चुका है। मार्क ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था जो कि डॉक्टर जॉर्ज को अरेस्ट कर लेते हैं और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि बोस्टन हॉस्पिटल में हेल्दी पेशेंट के माइनर ऑपरेशन में भी वो पेशेंट कोमा में चले जाते हैं। असल में उस हॉस्पिटल के मेंटेनेंस रूम के ऑक्सीजन पाइप के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का भी पाइप जॉइंट था जो पाइप 8 नंबर ऑपरेटिंग रूम में जाया करता था। जब पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता था तब कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण वो पेशेंट कोमा में चले जाते थे और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में किसी को पता भी नहीं चलता था। उसके बाद में उन कोमा पेशेंट को जेफरसन इंस्टीट्यूट में ला जाता है
बाहर से तो जेफरिन इंस्टीट्यूट एक एडवांस टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट था जहाँ पर कोमा पेशेंट के ऊपर रिसर्च होती थी, लेकिन अंदर बोस्टन हॉस्पिटल से लाए गए कोमा पेशेंट के ह्यूमन ऑर्गन को ब्लैक मार्केट में बेचा जाता था। और इन सबका मास्टरमाइंड बोस्टन हॉस्पिटल का ही सीनियर डॉक्टर जॉर्ज था। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करके जरूर जाना। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जल्दी जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।